नमस्कार दोस्तों, SSGD का आज एग्जाम का पहला दिन है और बात करेंगे कि आज का जो पेपर हुआ है पहली शिफ्ट का, वो पेपर कैसा आया है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए, पेपर का लेवल क्या था, कितनी बजे एंट्री हुई थी, एंट्री के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों के चेक हुए थे, अंदर जाने के बाद में क्या क्या प्रोसेस हुआ था। तो हमारे साथ में बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं एग्जाम सेंटर से, तो बात करेंगे इसे। तो सुबह की पहली पारी में एग्जाम था, कितनी बजे एंट्री हुई थी? एंट्री 8 बजे 7:15 तक कर दी थी। नहीं, गेट पे सबसे पहले एंट्री के समय क्या क्या चेक हुआ था गेट में? एंट्री के एंट्री टाइम है 7:45 का, 7:45 से एंट्री देना स्टार्ट हो गया था। एंट्री टाइम एक ओनली बस तो ये एडमिट कार्ड चाहिएगा, बस एडमिट कार्ड और एक ID प्रूफ। ID प्रूफ वो आगे देखता है बस। अच्छा, और उसके अलावा फोटो वगैरह बच्चों के कमेंट जरूरत नहीं है, लेके जाओ, पर कोई जरूरत नहीं है उसकी। उसके अलावा अंदर पेन वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है। अच्छा अच्छा, तो देखो पेपर आज का पहला शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो पेपर मतलब क्योंकि देखो काफ़ी बड़े बदलाव इस बार SSC ने कर दिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन 80 आ रहे और 80 में भी टाइम कम कर दिया है। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर बच्चों से क्या बताना चाहते हो? देखो टाइम मतलब पेपर कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दो। टाइम ये है, सबसे पहले आपको रीजनिंग सॉल्व करना है। मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, रीजनिंग का लेवल कैसा आ रहा है, रीजनिंग कैसी आ रही है? नॉर्मल 18-19-20 में से आराम से हो जाता है। अच्छा अच्छा, उसके अलावा मैथ का लेवल कैसा आ रहा है? मैं थोड़ी सी मॉडरेट बता सकते हैं, हार्ड आ रही है लेकिन उसमें टाइम नहीं मिल रहा है। हार्ड वैसे नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा है। मेन टाइम मिल जाएगा ना तो हो सकती है, मैथ भी हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा मैथ में देखो अर्थमेटिक के अलावा एडवांस मैथ में भी कुछ पूछ रहे हैं, अर्थमेटिक के अलावा एडवांस में भी एक क्वेश्चन था, ओनली एक क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, जीके के सारा, जीके में क्या पूछ रहे, करंट वगैरह के बारे में बताओ। करंट के लगभग कितने क्वेश्चन करंट को देखने को मिल रहे हैं, अप्रोक्स बता दो। 3-4 क्वेश्चन, 3-4 करंट अफेयर्स के। उसके अलावा पुराना जीके का रहा है, मतलब जीके का लेवल कैसा आ रहा है? ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा लेवल है। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आपने? पता नहीं लेकिन मैंने अटेम्प्ट किए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं, पेपर मतलब अच्छा हुआ कुल मिला के। मतलब टाइम मैनेजमेंट को लेकर बताओ कि देखो टाइम मतलब क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो गए थे एक बार, या क्वेश्चन ऐसा कि टाइम की वजह से क्वेश्चन छूट गया था कुछ? अगर आप ढंग से अटेम्प्ट करते हैं ना सर तो आराम से हो जाता है। आराम से हो जाते हैं मतलब, अब आपको अगर आपका आगे एग्जाम है तो सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देनी होगी, मतलब जितनी ज्यादा आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगी, मॉक टेस्ट लगाओ। और इसके लिए हाँ मैं बता रहा हूँ, अपने एप्लीकेशन जो बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन है उसमें टेस्ट सीरीज आई हुई है, वो टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा अभी, और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दो। क्योंकि देखो सबसे बच्चों को यही हो रहता है सबसे ज्यादा टाइम को लेकर, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो बच्चे आज एग्जाम दे के आए उनका यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे, मैथ का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, मैथ मॉडरेट आ रही है, मतलब एडवांस मैथ के भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा है। जीके का जो पोर्शन आ रहा है वो भी मॉडरेट आ रहा है, मतलब ज्यादा ना हार्ड आ रहा है ना ज्यादा इजी आ रहा है, मॉडरेट ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग काफी इजी आ रही है, आप आराम से 20 में से 17-18 क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी देखो टाइम का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि टाइम की वजह से बच्चों के क्वेश्चन छूट रहे हैं।